अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज फूड सेक्शन में, ग्रोसरी सेक्शन में या मार्केट में जो हम जाते हैं फूड्स वगैरह खरीदने, सेक्शन में मैं आपके लिए एक आजकल जो बहुत ज़रूरी हो गया है मुख्तलिफ चाइनीज़ डिशेस में और इवन दैन कॉन्टीनेंटल डिशेज में भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वो आज मैं आपके लिए सोया सॉस लेकर आया हूँ शंग्रिला कंपनी का। ये इन्होंने नया लॉन्च किया है शंग्रिला केचप, बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और उसकी प्रोडक्ट की एक मार्केट बन गई है। तो उन्होंने अब एक नया लॉन्च किया सोया सॉस, तो रमज़ान मुबारक में इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। ये इन्होंने केचप के साथ अटैच किया है, ठीक है। ये प्रमोशनल एक गिफ्ट है इनका, तो मार्केट में आई थिंक ये 80 to 90 रुपीज़ का मिलेगा, एज़ पर दूसरी कंपनी है एक का भी इतने का ही है, 70-80 रुपये का मिलता है। तो दोस्तों ये इसकी जो मैनेट वेट आपको बताता हूँ, ये 300 मिलीलीटर के पैक में अवेलेबल है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एज यूज़र जैसे हर एक के अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं और साथ थोड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसमें जिसका मेन की इंग्रेडिएंट्स है वो है सोयाबीन है, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट है और मोलेसिस है। मोलेसिस एक चीनी की फॉर्म होती है, शुगरी जिसे कह लें आप, जैगरी कह लें, यानी गुड़ की फॉर्म एक मटेरियल होता है मोलेसिस, ठीक है। राफ जो राफ कह लें, ठीक है, कैरमल कलर होता है उसमें, जो स्वीटनेस नहीं होती है, ठीक है, वो शामिल है और प्रिजर्वेटिव है इसमें, तो इसे मैंने इस्तेमाल करके देखा है तो इसका अच्छा रिजल्ट है, तो इसे आप मुख्य चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने बनाना है चिकन रोस्ट, बनाना है चिकन ब्रोस्ट वगैरह बनाना है, ठीक है, चिकन नगट्स वगैरह बनाना है, उसमें भी आप डाल सकते हैं, और जितने भी चाइनीज डिशेज हैं हमारी, चिकन चाउमिन वगैरह, ठीक है, और इसके सभी जितने भी दूसरी चाइनीज़ रेसिपी, चाइनीज़ चावल है, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों से एक ये अच्छी कंपनी है शंग्रिला की, आप इस मार्केट में इसे ज़रूर खरीदिएगा और ये आपको इजीली अवेलेबल है बड़े सुपरमार्केट से भी, छोटे जो दुकानदारों ने उन्होंने भी रखा हुआ है, जनरल स्टोर वालों ने और डिपार्टमेंटल स्टोर वालों ने भी। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इससे काफ़ी चीज़ें बनाना सिखाऊंगा, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। ओके, जल्द हाफिज़, टेक केयर।